वेलकम टू कोर स्ट्रेंथ टीवी। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सब लोग आपको बताते हैं कि कोई भी मूवमेंट आप करते हैं एक्सरसाइज में, उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई भी हाफ रेप्स नहीं होने चाहिए। फुल रेंज ऑफ मोशन में बिना चीट किए आप प्रॉपर वे में मारो। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये थोड़े से एडवांस प्रिंसिपल्स हैं जो आप अपनी एडवांस ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और कब अपने रूटीन में इसे इंक्लूड करना है, कितने कितने गैप में इन चीज़ों को करना है, वो आज हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि चीट मूवमेंट्स मास बिल्डिंग के लिए कैसे हेल्प करते हैं, हाफ रेप्स आपको कैसे मास बिल्डिंग के लिए, बियॉन्ड फेलियर जाने के लिए, और फैशिया स्ट्रेच करने में आपको कैसी हेल्प करते हैं। जितने भी रूटीन आज तक हम लोगों ने किए हैं, सारे रूटीन्स में आप देखेंगे कि हम वहाँ रुक जाते हैं जहाँ पर हमारा फुल रेंज ऑफ मोशन का आखिरी रेप हुआ और हम फेल हो गए, नीचे आ गए। जो एडवांस रूटीन्स करते हैं आपको एक्सरसाइज करते हुए, एक साल, दो साल, तीन साल हो गया है और आप बिगनर्स के रूटीन सारे ट्राई कर चुके हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस प्रिंसिपल्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय जब आप एडवांस प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी डाइट को मास्टर कर चुके हैं, आपको अपनी बॉडी की पूरी नॉलेज हो गई है कि आपको कितना रेस्ट चाहिए होता है। एक पार्ट को इस वीक रिपीट करने के बाद मैं दोबारा इस वीक में रिपीट करूंगा या अब मैं नेक्स्ट वीक में ही इसे रिपीट करूंगा, ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। अपनी बॉडी की रिकवरी रेट को आप समझ चुके हैं। जब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अपनी बॉडी की, तो आपको ये मूवमेंट्स करने हैं। आज हम आपको तीन ऐसे मूवमेंट्स दिखाएंगे जहाँ आप मूवमेंट कंप्लीट करने के बाद एक फिनिशिंग मूव करिए हाफ रेप्स का, ठीक है, तो वो आपको बियॉन्ड फेलियर ले जाएगा। आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकेंगे उस सेट से और ये आपको अपने लास्ट सेट में ही करना है। और तीन फिर हम आपको एक्सरसाइजेस दिखाएंगे जहां आप चीट करके एडवांटेज ले सकते हो, पर कितना चीट करना है, कब करना है और कैसे करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे चेस्ट की करेंगे आज। कमल भाई हमारे साथ हैं, आपने पहले वीडियो में कमल भाई को देखा होगा, इन्होंने शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस आपको दिखाई थी करके कि किस तरह से जायंट सेट आपको करना है। उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक पेयर ऑफ डंबल है तो उससे कैसे आपको शोल्डर अच्छे अपने करने हैं। चेस्ट का मूवमेंट जहाँ तक बात है, चेस्ट के मूवमेंट में शोल्डर में फ्रंट डेल्ट और ट्राइसेप्स का बहुत रोल होता है, आपकी लिफ्ट तभी अच्छी होगी शोल्डर्स में। हम आज आपको इसमें करके दिखा रहे हैं चेस्ट का एक मूवमेंट, ये जो आपको प्रिंसिपल अब हम आपको इसमें बताएंगे हाफ रेप्स का। ये आप डंबल में भी कर सकते हैं अगर आप इंक्लाइन फ्लैट डिक्लाइन डंबल प्रेस कर रहे हैं, या इंक्लाइन फ्लैट डिक्लाइन बारबेल प्रेस में भी कर सकते हैं। तो अब कमल भाई आपको दिखाएंगे कि आपका ये फाइनल सेट होगा चेस्ट में, ठीक है। तो ये चेस्ट प्रेस मशीन है, चेस्ट प्रेस मशीन में आपका फाइनल सेट है। फाइनल सेट में सपोज आपने प्रेसिंग करी, ये देखिए प्रॉपर रेप यही होता है, एल्बोज शोल्डर लेवल पे बहुत नहीं उठे हुए ऐसे, और एकदम ड्रॉप नहीं है, हल्का सा ड्रॉप करके कर रहे हैं, सो दैट आपका फ्रंट डेल्ट कम इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी पेक्टोरल मसल यानी कि चेस्ट आपकी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। तो ये देखिए कंट्रोल्ड वे में करना है, अगर हैवी वेट है तो कंट्रोल्ड वे में करना है, ये कम वेट से करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इंक्लाइन चेस्ट प्रेस है, अपर चेस्ट पर काम करेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल अपना पूरा सेट कंप्लीट किया, अब फेलियर आ गया, फेलियर आ गई, आप रखेंगे नहीं, आप देखिए हाफ रेप्स करेंगे, आप हाफ रेप्स करेंगे, एफर्ट देते रहिए। ये हाफ रेप्स थे, ये हाफ रेप्स आपको तब तक करने हैं जब तक आपको टेढ़ा मेढ़ा ना होना पड़े। हाफ रेप्स का मतलब ये नहीं है कि मैं टेढ़ा हो जाऊंगा या पूरी दम लगाऊंगा, मेरे पैर कांप रहे हैं और मैं लगाऊंगा, नहीं, मैंने प्रॉपर रेप्स किए, फुल रेंज ऑफ मोशन में जब मेरा फेलियर आ गया मैं नीचे आ गया। नाउ हमने इस मशीन पे किया, आप डंबल और बारबेल पे भी ये कर सकते हैं, हैवी वेट है, एंड देन फाइनली आपका फेलियर आ जाएगा, आप ये भी नहीं कर पाएंगे, आप यहीं अटक जाएंगे, कंप्लीट फेलियर, यानी ट्रेनिंग बियॉन्ड फेलियर इसे कहते हैं, है ना, कंप्लीट फेलियर अचीव करने के लिए। अगर आप फुल रेप्स में फेल होते हैं तो वो कंप्लीट फेलियर नहीं है आपका, ठीक है। सो ये हाफ रेप्स आपको करने हैं कोई भी कंपाउंड मूवमेंट्स में, चेस्ट में आप डंबल बारबल या ऐसी कोई मशीन है जहां आप इस तरह का काम कर सकते हैं तो वहां पर आपको यूज़ करना है। कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट में अपना, जैसे मैंने बताया, एल्बो को ऊपर मत रखिए,
बहुत लोग ये गलती करते हैं, नीचे आ रहे हैं, आपका फ्रंट डेल्ट बहुत इन्वॉल्व होगा, हल्का सा वो ड्रॉप करके रखनी है और ये आप करके देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आग लग जाएगी आपके पेक्टोरल मसल्स में, इतना बर्निंग सेंसेशन होगा, इतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड बिल्डअप होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। और ये लास्ट सेट में ही करना है, और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ड्रॉप सेट नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आप ड्रॉप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपने वेट कम करके जो एनर्जी लगानी थी वो आपने हाफ रेप्स में ही लगा देनी है। मोस्ट हैवी सेट में ये काम करना है, लास्ट सेट में ये काम करना है, सिर्फ एडवांस लिफ्टर्स को करना है बिना अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इन्वॉल्व किए हाफ रेप्स करने। अब आपको हम दिखाते हैं दूसरा मूवमेंट, ये तो चेस्ट की एक्सरसाइजेज में किस तरह से आपको इस हाफ रेप्स के प्रिंसिपल को यूटिलाइज करना है हमने बताया। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ट्राइसेप में जो नैरो ग्रिप बेंच प्रेस यानी कंपाउंड मूवमेंट है, ये प्रिंसिपल आपको ज़्यादातर कंपाउंड मूवमेंट्स में ही लगाना है, मैक्सिमम कंपाउंड मूवमेंट्स में लगाना है जहाँ जहाँ आप लगा सकते हैं। तो आप ट्राइसेप में नैरो ग्रिप बेंच प्रेस, जो कि अगेन एक कंपाउंड मूवमेंट है, बहुत अच्छा मास बिल्डिंग मूवमेंट है आपके ट्राइसेप्स के लिए, उसमें अब आपको करके दिखाते हैं हम कि किस तरह से इस प्रिंसिपल को आप यूज़ करोगे। तो अब आ गए हैं हम, नैरो ग्रिप बेंच प्रेस एक्सरसाइज है हमारी, और जैसा मैंने आपको बताया था आपको कंपाउंड मूवमेंट्स में ये जो हमने प्रिंसिपल बताया है ये यूज़ करना है। एक रूल ऑफ थंब आप ले सकते हो कि अगर मैं 10 रिपीटेशन कर रहा हूँ किसी एक्सरसाइज के, तो 5 मैं एंड में हाफ रेप्स करूँगा। अगर 8 रेप्स मैंने मारे फुल, तो 4 रेप्स मैं कम से कम करूँगा हाफ रेप्स, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड मूवमेंट को आपको कमल भाई करके दिखाएंगे और आपको हाफ रेप्स करके दिखाएंगे किस तरह से करने हैं। कॉन्स्टेंट टेंशन बना के रखनी है आपको। चलो कम ऑन, वेरी नाइस। ट्राइसेप पे कांस्टेंट टेंशन बना के रखना है, कांस्टेंट टेंशन, फोकस करो ट्राइसेप पे, फोकस करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमल भाई, बहुत बढ़िया। चलिए कमल भाई, अब हम करेंगे हाफ रेप्स। ये देखिए हाफ रेप्स, हाफ रेप्स, हाफ रेप्स, फेल हो गए हाफ रेप्स में भी, फेल हो गए। और हाफ रेप्स में भी कांस्टेंट टेंशन बना के रखना है अपनी ट्राइसेप्स पर, जिस भी पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज थी तो ट्राइसेप पर आपको कांस्टेंट टेंशन बना के रखना है। हाफ रेप्स का प्रिंसिपल वही रहेगा कि टाइम अंडर टेंशन बढ़ा रहे हैं हम मसल का। दूसरी चीज, मसल माइंड कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन टूट रहा है या आपको डेल्ट में या कहीं और चेस्ट में खिंचाव महसूस हो रहा है गलत तरीके का, वहीं रुक जाइए, यानी उतने हाफ रेप्स इनफ है। तीसरी चीज, आखिरी लिमिट तक मसल जहां मूव कर रहा है, अगर इतना भी मूव कर रहा है 4 इंच, तो आप मूव करेंगे। आपका पार्टनर, अगर आप बारबेल में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपका पार्टनर पीछे खड़ा रहेगा, जब आप फेल हो जाए तो वो आपको रखने में हेल्प करेगा। अकेले बारबेल में ये मत करिएगा, वरना आप फेल होके फंस जाएंगे, और फिर सबको पता है क्या होता है अगर आप बारबेल में हैवी वेट के नीचे फंस जाओ और कोई ना हो मदद करने के लिए। मेरे साथ एक बार हो गया था, और भैया उसके बाद जो हुआ, मेरे को अपने जीवन का सबक मिला कि अगर रिस्क ले रहे हो या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जहाँ आपको पता है कि मैं लोअर हाफ में फंस जाऊँगा लेके, तो पार्टनर को ज़रूर रखो, इट रियली हेल्प्स। कॉन्स्टेंट टेंशन रखने के बाद आप आखिर तक फेलियर तक इसे चलाओगे, तो ऐसी आग लगेगी आपके जिस पार्ट की आप हाफ रेप्स कर रहे हो उसमें कि मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो ये काम आपको करना ज़रूर है। अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज पर चलते हैं, जो अब शोल्डर का एक कंपाउंड मूवमेंट मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या करना है, और कमल भाई आपको करके दिखाएंगे वो चीज़ कि किस तरह से हाफ रेप्स को आपको शोल्डर के रूटीन में आपको यूज़ करना है। तो अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज में आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये जो आपके हाफ रेप्स का प्रिंसिपल है आपको कंपाउंड मूवमेंट्स में ही डिप्लॉय करना है, क्योंकि ये ऐसे मूवमेंट्स में काम नहीं करेगा जैसे चेस्ट में। अगर आप इसको फ्लाइज में करने की कोशिश करेंगे, ना कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेनिफिशियल ये हमेशा आपके कंपाउंड मूवमेंट्स में रहेगा। थर्ड एक्सरसाइज में इस प्रिंसिपल को यूज़ करके दिखाएंगे कि आप कैसे एडवांटेज ले सकते हैं इस प्रिंसिपल का।
तो कमल भाई इनको दिखाइए कि मिलिट्री प्रेस कैसे की जाती है प्रॉपर, और फिर इसमें हाफ रेप्स कैसे किए जाते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर मिलिट्री प्रेस है। जैसे ही बार चिन से थोड़ा नीचे जाए, आप पूरा ऊपर उठाइए ना, पूरा नीचे लॉकआउट करिए कि आपका रोटेटर कफ अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाए ना, पूरा ऊपर लॉकआउट करेंगे। फ्रंट डेल्टॉइड को कॉन्स्टेंट आप टेंशन में रखेंगे, फुल रेंज ऑफ मोशन में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको हम कम वेट से दिखा रहे हैं, ये आपको अपने हैवी मोस्ट सेट में, लास्ट सेट में आपको हाफ रेप्स यूज करने हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने अपने रेप पूरे कर लिए, अब आपके हाफ रेप चालू होंगे। हाफ रेप, हाफ रेप, हाफ रेप, हाफ रेप, थकने के बाद आप इतना ही पुश कर पाएंगे। देखिए किस तरह से ये कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको हिला भी नहीं पाएंगे। फिर करा आपने, आप उसको फिर हिला भी नहीं पाए, दैट इज द टाइम जब आप रियलाइज करेंगे कि मेरा कंप्लीट फेलियर आ गया है, यानी कि मैंने फेलियर के बियॉन्ड ट्रेन कर दिया है अपनी मसल को। ये लास्ट सेट में करना है। तो ये आप शोल्डर में, शोल्डर डंबल प्रेस में भी कर सकते हैं। हमने फ्रंट बारबेल प्रेसिंग में आपको ये करके दिखाया है, यानी कि मिलिट्री प्रेसेस, ठीक है। तो अब ये तो हमने तीन एक्सरसाइज आपको डेमोन्स्ट्रेट करी है, एक चेस्ट की, एक ट्राइसेप की, और एक आपके शोल्डर की, आपके फ्रंट डेल्ट की एक्सरसाइज, जहां आप हाफ रेप्स को यूज करके एडवांटेज उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हाफ रेप्स रेपिटेशन पूरे होने के बाद करने हैं। अच्छा, अब इन हाफ रेप्स के बाद आपको हम बताते हैं चीट मूवमेंट्स के बारे में, कि चीट मूवमेंट्स को आपको अपने रूटीन में कहां कैसे ऐड करना है, और किन मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इन चीट मूवमेंट्स का, कितना चीट करना है, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि बाइसेप की एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, एक बेसिक एक्सरसाइज है, और अल्टीमेट मास बिल्डिंग मूवमेंट है बाइसेप्स के लिए। तो दोस्तों अब हम करेंगे आपको दिखा के स्टैंडिंग बारबेल कर्ल में चीट कर्ल्स आपको कैसे करने हैं। सो चीट कर्ल्स आपको अपना लास्ट सेट चीट कर्ल्स जोड़ सकते हो मास बिल्डिंग के लिए। ये जो आप लोगों को हाफ रेप्स दिखाए थे इससे पहले, वो भी मास बिल्डिंग के लिए एडवांस टेक्निक है। ये चीट कर्ल्स भी एडवांस टेक्निक है। ये चीट कर्ल्स आपको शुरुआत से आदत नहीं डालनी है करने की। आप बिगनर्स और इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करके जब एडवांस टेक्निक्स को आप यूज कर रहे हैं, सुपर सेट, ड्रॉप सेट, ट्राई सेट, जायंट सेट, इस तरह की चीजों को आप यूज कर रहे हैं, तब आप इस टेक्निक को भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यह है चीट कर्ल। चीट कर्ल आपको जब आप नॉर्मल रेपिटेशन पूरे कर लें, तब आपको चीट कर्ल शुरू करने हैं, आखिरी के चार पांच छह रेप्स, पूरा सेट ही चीट कर्ल्स का नहीं मारना है, ठीक है। चलिए तो लास्ट सेट में आपको हम कम वेट से करके दिखा रहे हैं, लेकिन लास्ट सेट में आपको ज्यादा से ज्यादा वेट से, जैसे आपने करी एक्सरसाइज अपनी पूरी, उसके बाद शुरू के कुछ रेप्स में आपकी मसल प्री एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, तो ये आपने प्रॉपर वे में देखिए, शोल्डर लेंथ से ना ज़्यादा नैरो है ना ज़्यादा वाइड है, एक रेगुलर ग्रिप जो होती है आपने उसमें हम करके दिखा रहे हैं। आपको आउटर बाइसेप पे काम करना है तो आप नैरो करिए, आपको इनर बाइसेप में काम करना है तो आप ब्रॉड पकड़िए रॉड को, लेकिन एक रेगुलर ग्रिप यहाँ होती है जहाँ इन्होंने पकड़ के दिखाया, और रिस्ट बेंड नहीं होंगे, देखिए ऊपर रिस्ट बेंड नहीं हो रहे, सिर्फ बाइसेप मूव कर रहे हैं, देखिए बाइसेप मूव कर रहा है, रिस्ट एंड में बेंड नहीं हो रही कि आप ऊपर घुमा के ये कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर नीचे ऊपर, ये नहीं, नो। तो ये चीट आपको करना है ये नीचे के 25% पे, अगर ये कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन है तो 50% चीट नहीं करना, नीज को सॉफ्ट करके 25%, ये देखिए, और नीचे स्लो आएंगे चीट करते वक्त, चीट आप चाहे जितना करें नीचे स्लो आएंगे, ऊपर आते समय थोड़ा चीट करेंगे, नीज को सॉफ्ट करेंगे, बेंड करेंगे, चीट किया, नीचे स्लो आए, ओके। सो इस चीज का ध्यान देना है आपको, इस चीज का आपको ध्यान देना है कि चीट किया 25% में, इसको ऊपर लाए, ये नहीं करना चीट करते वक्त भी, हैवी वेट में लोग ये करते हैं ना, फिर आप धीरे धीरे जाएंगे, देन अगेन दिस, नीचे धीरे धीरे। सो नीचे का इतना इतना आप, इतना रेंज ऑफ मोशन आप कवर कर सकते हैं, लेकिन एल्बो आगे पीछे नहीं जाएगी, एल्बो यही है, मैंने ये जर्क लेके इतना ले आया, उसके बाद मैं यहां लाया, पूरा मैंने कर्ल किया स्लो। दूसरी चीज, जब आप हैवी वेट करते हैं और आप चीट करेंगे तो पीपल टेंड टू डू दिस,
नहीं, सिर्फ उतना ही चीट करना है जिसमें आपकी अपर बॉडी हल्की सी पीछे जाए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी। लेकिन अगर आप अपने इस पार्ट को भी आगे कर रहे हैं और पीछे जा रहे हैं वेट के साथ, तो आपकी लोअर बैक पे बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा। ऐसा चीट नहीं करना है जो आपकी लोअर बैक पे गलत इम्पैक्ट आए, गलत इफेक्ट आए किसी भी एक्सरसाइज का। लोअर बैक को, नीज को और रोटेटर कफ को, इन तीन चीज़ों को आप हमेशा बचा के रखेंगे, क्योंकि यही लॉन्ग रन में आपको लिफ्ट बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अगर ये खराब होने लग गए गलत तरीके लिफ्ट से, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट 25% आपको जर्क लेके इसको करना है, सिर्फ अपर बॉडी को पीछे लीन कर सकते हैं। बट डोंट डू दिस, यप, नो, ये नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसको करना है, प्रॉपर वे ये है। स्लो, ओके। तो एक्सप्रेशन भी मैंने पूरे देके दिखा दिए, क्योंकि हैवी वेट में 36 तरह के मुंह बन ही जाते हैं, दैट्स अ फैक्ट। आप बोलोगे यार हमें करके दिखा रहा है, हैवी वेट में थोड़ा इतना आसान होता है, तो मैं इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। मैंने दिखा दिया यार, जितना डिफिकल्ट होता उतना डिफिकल्ट मुंह बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, शोल्डर्स की चीट लेटरल्स, यानी कि बेंड लेटरल, साइड लेटरल्स, ठीक है। दोनों एक्सरसाइजेस में आप ये प्रिंसिपल को आप यूज कर सकते हैं। आप चीट मूवमेंट को एम्प्लॉय करेंगे, उसमें भी बेसिक मूवमेंट यही रहेगा कि नीचे का 25% 20-25% आपने नीज को बेंड करके जर्क में ले लिया, लेकिन अब यहां से उसके बाद पूरा आपने उठाना है, और आप थोड़ा सा पीछे लीन हो सकते हैं, लेकिन इतना, लेकिन आप इतना लीन नहीं होंगे कि आपका ये जो कमर से नीचे का हिस्सा है ये भी आगे जाना शुरू कर दे, नहीं। आप जर्क लेंगे, ये नीचे खुद आना है, ठीक है। नीज को सॉफ्ट करने का गेम है, हल्का सा बैक को पीछे लेना है। फर्स्ट 25% आप उठा लेंगे, उसके बाद पूरा मसल से ही काम कराएंगे। चलिए अब करते हैं चीट लेटरल, साइड लेटरल या बेंड लेटरल में इस प्रिंसिपल को यूज करके चीट लेटरल्स बना सकते हैं उसे। तो शुरुआती दौर में सेट नॉर्मल चलेगा, 2-4 रेप्स आपके नॉर्मल चलेंगे, 6 रेप्स आपके नॉर्मल चलेंगे। हम लाइट वेट से कर रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा रेप्स नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके बाद आप चीट करेंगे। चीट किस तरीके से करना है वो आपको दिखाते हैं, जिससे आपको साइज और मास गेन करने में मैक्सिमम बेनिफिट हो। एक चीज़ बता दूँ, बिगनर्स के लिए ये मूवमेंट्स नहीं है। बिगनर्स को ना चीट करना है, ना हाफ रेप्स मारने हैं। इंटरमीडिएट वालों को भी ना हाफ रेप्स मारने हैं, ना चीट करना है। चीटिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन जो एडवांस लिफ्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन इन मूवमेंट्स को आपको हर हफ्ते नहीं करना कि जितनी बार आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप हर बार रिपीट कर दें, नहीं। 2 वीक्स में एक बार, यानी महीने में 2 बार आप चीट मूवमेंट्स को लगाएंगे, क्योंकि चीट मूवमेंट्स आपके जॉइंट्स पर, आपके लिगामेंट्स पर, आपके टेंडन्स पर बहुत एक्सेसिव लोड डालते हैं, क्योंकि आप हैवी वेट यूज़ करोगे देन यूजुअल, क्योंकि आपको पता है मुझे चीट करना है। अब शुरू करते हैं चीट लेटरल्स। कमल भाई करके दिखाइए इन्हें कि चीट लेटरल्स कैसे करेंगे। तो आपने मान लीजिए पहले आपने शुरू में मूवमेंट किया नॉर्मल साइड लेटरल, देखिए कैसे एल्बो शोल्डर लेवल से ऊपर जाएगी, ठीक है। रिस्ट से नहीं वेट उठा रहे, एल्बो से वेट उठा रहे हैं, तो आपका साइड डेल्ट, पूरा पूरा साइड डेल्ट एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि एल्बो से वेट उठा रहे हैं, रिस्ट से नहीं। जैसे आपके रेप्स पूरे हो जाए एक्यूरेट, ये चीट, ये देखिए ये चीट, नीज को सॉफ्ट करके पहला 25%, ये नीचे स्लो आना है, पहला 25% चीट पूरा उठाया, नीचे स्लो, ये देखिए ये चीट है, ये अगेन बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना कि आपका जो लोअर हाफ है बॉडी का आ गया है। नीज को सॉफ्ट करने का गेम है, और सिर्फ पहले 25% में चीट करना है। कई लोग एक सेट ऐसा भी लगाते हैं जिसमें आप पहले ही रेपिटेशन से, फाइनल सेट में पहले ही रेपिटेशन से चीट करेंगे, लेकिन कितना चीट करेंगे, नीचे आपको स्लोली आना है ग्रेविटी को अपोज करते हुए, ऊपर का सिर्फ शुरुआती 25% जो मूवमेंट है,
शुरुआती 25% जो मूवमेंट है वो आपको चीट करना है, इसके ऊपर पूरा आप पूरा ऊपर उठाएंगे, नीचे आप पूरा लाएंगे, ठीक है। और डंबल यहाँ नहीं रखे, कई लोग यहाँ से मारते हैं, नहीं यहाँ से नहीं मारना आपको, अगर आप यहाँ रखेंगे डंबल को तो आपका डेल्टॉइड एक्टिवेटेड रहेगा रेस्टिंग पोजिशन में भी। यहाँ रखिए यहाँ, फिर यहाँ से चलाइए और एल्बो से वेट को उठाना है। जैसे ही आपका शोल्डर लेवल से ऊपर एल्बो जाएगा वेट के साथ, आपके डेल्ट एक्टिवेट होंगे। अच्छा, चीट मूवमेंट में एक एडवांटेज ये भी होता है कि नीचे जब आप स्लोली आएंगे आप रियलाइज करेंगे आपके ट्रैप्स भी बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जिन लोगों का लैक ऑफ डेवलपमेंट है ट्रेपीजियस मसल में, तो ट्रैप्स में अच्छा डेवलपमेंट लाने के लिए ये एक्सरसाइज एडिशनली उन पे भी बहुत जोर डालेगी आपके ट्रैप्स पर। तो ट्रैप्स जिनका डेवलप नहीं है उनको भी ये हेल्प देगा, सेकेंडरी मसल वही इन्वॉल्व है। तो अब हम अपनी फाइनल एक्सरसाइज आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है चीट पुश डाउन्स। ओके, तो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, पसीना हमें बहुत आ रहा है क्योंकि हमारे होम जिम में इसमें बहुत गर्मी है, तप रहा है लिटरली है। लेकिन हम लोगों ने आपसे कमिटमेंट किया है कि हम लोग आपके लिए वीडियोस नए नए लाते रहेंगे, कुछ नई चीज़ें, कुछ अनकन्वेंशनल कंसेप्ट्स जो आपको मदद करेंगे आपकी फिटनेस जर्नी में, तो वो कमिटमेंट हमें पूरा करना है। तो थोड़ा सा ये जितना हमें थोड़ा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बात जहाँ तक है केबल पुश डाउन की, तो पहले कमल भाई आपको करके दिखाएंगे। जैसे आप रेगुलर केबल पुश डाउन आप करते हैं, कमल भाई ज़रा इनको दिखाइए कि रेगुलर केबल पुश डाउन किस तरह से होता है। तो ओके, पूरा नीचे जाके अपनी ट्राइसेप को फ्लेक्स करना है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर आके नीचे जाना है दोबारा। और इस समय तीनों हेड्स कमल भाई के दिख रहे हैं, बिल्कुल आग रखें आग, और प्रॉपर फॉर्म में बिना चीट किए आपको ये मूवमेंट करना है। ये है रेगुलर केबल पुश डाउन्स। बहुत तरीके हैं ऐसे करने के, लेकिन ये सबसे एक्यूरेट तरीका है जिससे सिर्फ आपकी ट्राइसेप ही मूव होगी और कोई पार्ट मूव नहीं होगा। तो एल्बोज बॉडी से थोड़ा आगे हैं और मैं एकदम सीधे नहीं खड़ा, क्योंकि अगर मैं सीधे खड़ा हूँगा तो नीचे आने से मेरी ट्राइसेप पूरी फ्लेक्स होने से पहले मेरा हाथ मेरी थाइस पे टच हो जाएगा। थोड़ा सा अपर बॉडी को आगे लीन किया और स्लाइटली अपनी एल्बोज को अपनी बॉडी से आगे ले गए एंड ट्राइसेप को फ्लेक्स किया। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें चीट कैसे करना है, और बाद में आपको ये दिखाएंगे कि इसमें हाफ रेप्स का प्रिंसिपल भी आप लगा सकते हो। तो अब आपको दिखाना है चीट पुश डाउन कैसे होता है। तो चीट पुश डाउन में सबसे पहली चीज़ अपनी बॉडी के वेट से आप एक्स्ट्रा वेट लोड करिए इसमें, और अपने बॉडी के वेट से जैसे आप कमल भाई इसको नीचे पुश करेंगे वैसे करिए। तो कमल भाई ने अपना एक पैर आगे कर लिया है, अपने बॉडी के वेट से पुश कर दिया है वेट को नीचे, और एल्बो अब बॉडी से आगे नहीं है, एल्बो यहाँ है, लेकिन देखिए पूरा फ्लेक्स हो रहा है। चीट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा फ्लेक्स करना बंद कर देंगे, ठीक है। चीट का मतलब ये है कि आप बॉडी के दूसरे पार्ट्स का सपोर्ट ले रहे हैं मूवमेंट करने के लिए, बिना उन्हें एक्सेसिवली इन्वॉल्व किए या इस तरह से इन्वॉल्व किए कि उनमें चोट आए। ये देखिए, तो ट्राइसेप पूरी फ्लेक्स करनी है, अपना एक पैर आगे करके अपना बॉडी वेट डाल के, और एल्बो आगे नहीं, एल्बो आप यहाँ रख सकते हो, लेकिन पूरी फ्लेक्स होगी ट्राइसेप। दूसरा कमल भाई, इसमें अब इन्हें हाफ रेप्स करके दिखाइए कि अगर आप जब पूरा फेल हो जाए, आपको पता है मैं पूरा ऊपर पूरा नीचे नहीं आ सकता, चाहे अब मैं चीट कितना ही बॉडी का वेट डालूं, अब अगर ये ऊपर आया तो मुझे उठा देगा ऊपर। तो इसको नीचे अपने बॉडी वेट से दबाए रखिए, और जो बॉटम 25% है उसमें बस इसमें अपनी ट्राइसेप को कॉन्स्टेंट टेंशन में रख के प्रेस इट। बहुत बढ़िया कमल भाई, सिर्फ बॉटम 25% में। ये है हाफ रेप्स। तो हाफ रेप्स का प्रिंसिपल भी आप इस एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो आज हमने दिखाया है वो एडवांस लिफ्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो बिगनर्स हैं या इंटरमीडिएट अभी शेड्यूल्स फॉलो कर रहे हैं, जिनको एक्सरसाइज करते हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, जिनको अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि उनका वेट का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, वो ये ना करें। पहले अपना मसल माइंड कनेक्शन अच्छा करें। जिस मूवमेंट में आप चीट या हाफ रेप्स करने वाले हैं उस मूवमेंट को आप परफेक्ट करिए, ताकि वो सिर्फ उसी पार्ट को इन्वॉल्व करें, देन आप उसमें चीटिंग के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाफ रेप के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एटलीस्ट 2 से 3 साल आप बढ़िया ट्रेन करिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या, ये आपको उसके बाद करना है। और ये आपको आपके प्लेटो अगर आपने हिट कर दिया कि आप आपके वेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं,
आपका मसल साइज नहीं बढ़ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, तो ये तीनों चीज़ें बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। और आप नोटिस करेंगे जिन पार्ट्स की ये एक्सरसाइजेज हैं, जहां आपने चीट रेप्स या हाफ रेप्स किए हैं, वहां आपके पहले के सेट्स में वेट बढ़ जाएंगे। जो आप एक्यूरेटली करते थे पहले, वो आप ज़्यादा वेट के साथ पहले के सेट्स ज़्यादा एक्यूरेटली कर लेंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक बटन ठोक के और इसे शेयर करके भाइयों आग लगा दो, ठीक है। अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स यूज़ करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आग लग जाएगी आग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही नया कुछ कंसेप्ट लेके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कोर स्ट्रेंथ टीवी।